हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रोहित गोयल फ्रॉम डीटीसी स्किन क्लिनिक और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विटिलिगो ल्यूकोडर्मा और जो सफ़ेद दाग जिसको फुलवारी कहते हैं इसकी प्रोग्नोसिस के बारे में। प्रोग्नोसिस कहते हैं किसी भी डिसीज़ किसी भी बीमारी की प्रोग्रेस के बारे में कि वो कितना पॉजिटिवली आगे ग्रोथ करेगा या नेगेटिवली ग्रोथ करेगा, मतलब कि हमारी कोई भी बीमारी जो है वो कितनी दिनों में सही होगी या आगे आने वाले टाइम में ख़राब होगी, तो उसको प्रोग्नोसिस कहते हैं। तो हम विटिलिगो पे बात करने वाले हैं कि सफ़ेद दाग जो होता है उसकी प्रोग्नोसिस जो है हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी पेशेंट का जो सफ़ेद दाग है वो कितनी जल्दी सही होगा या कितना टाइम लेगा उसको सही होने के लिए। तो मैं कुछ आपको क्राइटेरिया बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जिससे आप ये एक असेसमेंट कर सकते हैं कि आपकी जो विटिलिगो है जो सफ़ेद दाग है वो कितनी जल्दी सही हो सकता है, कितना ज़्यादा टाइम ले सकता है। विटिलिगो जो सफ़ेद दाग की जो प्रोग्नोसिस है वो मेडिसिन पे उसके ट्रीटमेंट पे उसकी सर्जरी पे तो डिपेंड करती ही है, साथ ही साथ इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि किस एज ग्रुप का पेशेंट है, उसकी रिकरेंस रेट कितनी है, कितनी बार वो दोबारे उसको विटिलिगो हुआ है, विटिलिगो जो डिसीज़ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और जो टाइप ऑफ विटिलिगो है वो क्या है और कितना पुराना है और उस सफ़ेद दाग के अंदर जो हेयर्स हैं वो कितने वाइट है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि पेशेंट का विटिलिगो जो सफ़ेद दाग है वो कितनी जल्दी सही होगा या कितना ज़्यादा टाइम लेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं चिल्ड्रंस पे, जो बच्चों में जो सफ़ेद दाग होता है वो मोस्टली देखा जाता है कि बड़ी स्पीडली प्रोग्रेस करता है और जल्दी ही वो स्टेबल भी हो जाता है। स्टेबल होने के बाद जो है उसका जो ग्रोथ है जो सफ़ेद दाग बढ़ता है वो बहुत स्लोली बढ़ता है और जो मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो जो चिल्ड्रंस में है वो रीपिगमेंटेशन की जो कैपेसिटी होती है जो वो ज़्यादा होती है, तो कंपैरेटिवली एडल्ट्स के जो चिल्ड्रंस में विटिलिगो होता है वो जल्दी रिकवरी करता है। दूसरा आता है रिकरेंस पे, अगर कोई पेशेंट है उसका एक बार विटिलिगो हो चुका है और वो सही हो चुका है और दोबारे उसको विटिलिगो हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसमें थोड़ा सा टाइम कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले ज़्यादा होगा। ये बहुत बार होता है कि पेशेंट हमको बोलता है कि मैंने पहले जब विटिलिगो हुआ था सफ़ेद दाग हुआ था तो मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया था और बहुत जल्दी रिकवरी हो गई थी और सेकंड टाइम अब जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करा था किसी डॉक्टर से तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ऐसा होता है कि अगर रिकरेंस है हमारे को दोबारा विटिलिगो या सफ़ेद दाग कहीं पे पैचेस आए हैं तो उसमें टाइम लग सकता है। अब थर्ड आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब विटिलिगो आपकी बॉडी में किस किस पार्ट पे है। म्यूकोसल एरिया की बात करें जैसे लिप्स और जो नॉर्मल स्किन जहाँ पर हमारी टच होती है, या फिर हम बात करें जो हमारी आईलिड है और जो हमारी नॉर्मल स्किन टच होती है, या फिर हम बात करें जो पेनिस के पास में जो स्किन है म्यूकोसल स्किन है, या फिर वेजाइनल या फिर एनस के पास में जो हमारी म्यूकोसल स्किन है वहाँ पर थोड़ा सा टाइम कंपैरेटिवली नॉर्मल स्किन के ज़्यादा लगता है। एक्रल विटिलिगो की बात करें तो जो हैंड्स में और फुट में होता है तो हमारे जो पाम और सोल्स की बात करें या फिंगर्स की टिप्स की बात करें तो इनमें जो होता है विटिलिगो का जो ट्रीटमेंट होता है बहुत लंबा खिंचता है। तो अगर किसी पेशेंट को इस पर्टिकुलर साइट पे पिगमेंट नहीं है विटिलिगो है तो उसको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए नॉर्मल स्किन के मुकाबले, क्योंकि ये जो साइट्स हैं जो लिप्स वाली टिप्स वाली साइट्स हैं जहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है वहाँ पर पेशेंस रखना चाहिए और डॉक्टर पे फेथ करके थोड़ा लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चलाना चाहिए। टाइप ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें एक जैसे मान के चलो हेलोनेवस होता है, हेलोनेवस में क्या होता है बीच में एक तेल होता है और साइड में सफ़ेद दाग होता है, तो जब तक आप सर्जिकली उस काले जो तिल को हम रिमूव नहीं करेंगे जब तक सफ़ेद दाग को सही होना थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो उस कंडीशन में आपको जो मोल है सबसे पहले रिमूव करवाना चाहिए उसके बाद विटिलिगो का ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। ऐसे ही जो सेगमेंटल विटिलिगो है उसमें जो हमारी सर्जरिकल रिजल्ट की बात करें तो वो बहुत अच्छे आते हैं, तो सेगमेंटल विटिलिगो में मैक्सिमम टाइम पेशेंट को सीधा अपने सर्जिकल ट्रीटमेंट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है टाइम पीरियड, मतलब विटिलिगो सफ़ेद दाग को आपको जितना पुराना होता जाएगा उतना ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा सही होने के लिए। तो आप इस चीज़ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जितने साल हुए हैं एटलीस्ट उतने
महीने तो आपको डॉक्टर को देने ही चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे को 10 साल से है और फिर भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 या 3 महीने में सही हो जाए। अगर 10 ईयर्स से है तो एटलीस्ट 10 to 12 मंथ्स तो डॉक्टर को देने चाहिए विटिलिगो सही होने के लिए। अब आते हैं हम ल्यूकोट्रैकिया। ल्यूकोट्रैकिया होता है सफ़ेद बाल। लोग कहते हैं जहाँ पर सफ़ेद बाल आ जाता है सफ़ेद दाग में, वहाँ पर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता, मगर ऐसा नहीं है। उसको भी हम अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम स्टेज 0 की बात करें तो नॉर्मल पिगमेंटेड स्किन है, और स्टेज 1 की बात करें तो जहाँ पर हमारे स्पोटी पैचेस हैं और हमारा जो हेयर है वो वाइट नहीं है, उसमें उस केस के अंदर हमारा जो रिजल्ट होता है बहुत स्पीडली आता है। स्टेज 2 की बात करें तो हमारे जो छोटे छोटे जो वाइट पैचेस हैं वो आपस में मिल जाते हैं और एक बड़ा कंप्लीट पैच वाइट पैच बनता है, और उसमें 2 to 3 हेयर्स वाइट भी हो सकते हैं। तो उस केस में थोड़ा सा हमारे को कंपैरेटिवली स्टेज 1 के ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा हमारे को एफर्ट मारना पड़ता है। अगर हम स्टेज 3 की बात करें तो हमारा जो पैच है वो तो कम्प्लीटली वाइट हो ही चुका है, उसमें जो हेयर हैं वो लेस देन 30% जो होते हैं वाइट हेयर्स होते हैं। कंपैरेटिवली स्टेज 2 की बात करें तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। और ऐसे ही हम स्टेज 4 की बात करें तो उसके अंदर हमारे कंप्लीट हेयर वाइट हो जाते हैं, उस पैच के अंदर भी पूरा का पूरा वाइट मिल्की वाइट जो होता है हमारा वो आपको पैच दिखाई देता है। तो उस केस के अंदर जो है वो हमारे को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है ये इसको टाइप के विटिलिगो को सही करने के लिए। तो उस टाइप के केसेस में हमारे को चाहिए कि सर्जरी पे ही हम शिफ्ट करें और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करें। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे जिनसे हम ये थोड़ा असेसमेंट कर सकते हैं कि कौन सा विटिलिगो जो है हम थोड़ा जल्दी कवर अप कर सकते हैं और कौन से विटिलिगो में हमारे को ज़्यादा टाइम लगेगा ट्रीटमेंट में। इसके अलावा अगर आपको सफ़ेद दाग से रिलेटेड कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं या हमारे क्लिनिक पे आके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।